मुंबई मोटर नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा डेमोस्ट्रेशन की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। आज का स्टेशन दिखाने के लिए हमारे माननीय नागरिक सुरक्षा नियंत्रक जी ने चीफ वार्डन को अनुमति दे दी है। और यहाँ पे जो भी सेक्टर वार्डन हैं वो अपनी अपनी पोस्ट पर वापस जा रहे हैं अब थोड़े ही समय में, और हमें उनका पता भी नहीं चलता है। हमारे इसी शहर में आतंकवादी पहले रेकी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल पर वो एक इलाके में आते हैं, और आप दुकान की तरफ देखिए जहाँ पर हमारा सेट लगा हुआ है, आप दुकान की तरफ देखिए जहाँ पर सेट लगा हुआ है। आतंकवादियों ने दुकान मालिक को हैंड्स अप करने के लिए कहा है, उनको उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और बॉम्ब ब्लास्ट करके वो वहाँ से मोटरसाइकिल से फरार हो रहे हैं। आप देखिए वो और जगह भी जाकर हमला करते हैं। जो आम नागरिक है वो डर कर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनके इलाके में ये किस तरह का हादसा हो रहा है। सेक्टर वार्डन ये जो हादसा हुआ है अपने अपने इलाके में जाकर जानकारी हासिल कर रहे हैं कि उनके इलाके में कोई आतंकवादी घुस आए हैं और हमला करते हुए वो भाग रहे हैं। सेक्टर वार्डन तुरंत और सूचित करने के बाद तुरंत कंट्रोल रूम से हाई अलर्ट का सायरन बजता है। कंट्रोल रूम से हाई अलर्ट का सायरन बजना चालू हो गया है। किस तरह आग लगी थी और वो आग से जलते हुए वहाँ पर बाहर निकला है, और नागरिक सुरक्षा के नौजवान उसे ब्लैंकेटिंग करके आग बुझा रहे हैं। कंट्रोल रूम से तुरंत आदेश हुआ है कि सेक्टर नंबर 3 में जो आग लगी थी वहाँ पर जाकर तुरंत ICU का पोस्ट तैयार करो। पॉइंट पर ले जा रहे हैं, इसके साथ ही स्टीरअप पंप से नागरिक सुरक्षा के नौजवान आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जले हुए आदमी को पॉइंट पर लेके जाना है। वहाँ पर फर्स्ट एड के जो नौजवान हैं
दुकान में आग लगते ही जो शॉपिंग मॉल में आग लगी थी वहां पर मदद के लिए और भी वॉलंटियर्स पहुंच गए हैं, और जहां जहां पर बम विस्फोट हुआ था वहां पर जो कैजुअल्टीज थे उनको इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर के माध्यम से उनको कैजुअल्टीज को लिया जा रहा है वापस फर्स्ट एड पॉइंट पे लेके जाया जा रहा है। कंट्रोल रूम को एक सूचना दी गई है कि आग कंट्रोल के बाहर है, हमारे से नहीं बुझने वाली है, कंट्रोल बड़ी हो जाती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। अभी आप देखेंगे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वहां पर आई हुई है और शॉपिंग मॉल आग लगी थी उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के नौजवान आ चुके हैं। फर्स्ट एड के नौजवान कैजुअल्टी को स्टेशन पर डालकर फर्स्ट एड पॉइंट पर लेके जा रहे हैं ताकि वहां पर उनका उपचार किया जा सके और आगे के इलाज के लिए उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा सके। इसके साथ ही ग्राउंड स्क्वाड को भी बुला लिया गया है, वो ये देख रहा है कि कहीं पर बम जमीन के नीचे तो जमा कर नहीं रखा हुआ है। अरे कौन देखे, जाओ 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 गाड़ी जाओ। आईसीयू इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर का आगमन उत्तर टीम में दुर्घटना स्थल पर हो चुका है, यहाँ पर उनको रिसीव कर रहे हैं और घटना की जो भी जानकारी है उनको बता रहे हैं। उन्होंने वार्डन से घटना के बारे में जानकारी हासिल की, उसके बाद में जो भी कैजुअल्टी था उसको और उसके अलावा सेक्टर 2 में भी जो भी कुछ हुआ है वो हैंडल में है। रेस्क्यू टीम हासिल करने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिया है। इधर से ही जाते देखिए, एक जगह पे ऑयल फायर लगा हुआ है, तेल के कंटेनर में आग लगा हुआ है, वहाँ पर सिविल डिफेंस के नौजवान एक महिला है वो जाके DGP ड्राई केमिकल पाउडर इस माध्यम से जो है आग बुझा रही है। फायर एक्सटिंग्विशर एक बड़ी आग को बुझाने में कितना मददगार होता है ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कैजुअल्टी पॉइंट पर फर्स्ट एड देकर आगे की कार्रवाई के लिए कैजुअल्टीज को एम्बुलेंस कर भेज सकता है। हमारे नागरिक सुरक्षा के नौजवान जो एक आम नागरिक ही होते हैं, आपातकालीन परिस्थिति में जब सरकार की मदद कम पड़ती है तब ऐसे में वे क्या मदद हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, एक आदमी के पैर फ्रैक्चर हो गया है लेकिन हमारे नागरिक सुरक्षा के नौजवान कंट्रोल रूम को दी जा रही है और वहाँ कंट्रोल रूम में बैठे हुए नागरिक सुरक्षा नियंत्रक श्री कुरेशी साहब पूरे घटना पर नियंत्रण रखे हुए हैं और अलग अलग पार्टियों को काम को अंजाम देने के लिए वहाँ पर भेजा हुआ है। अभी देखेंगे कि एक ऊंची जगह पर एक घायल व्यक्ति को चेयर नॉट के माध्यम से एक रस्सी के माध्यम से सुरक्षित नीचे उतारा गया है। सामने देखिए
महिला जो है उसको नीचे उतार लिया गया है चेयर नॉट के माध्यम से। कार्रवाई की गई। बच्चे लोग जब जीवन और मौत के बीच सिर्फ 3 मिनट का समय हो तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द राहत कार्य किया जाए। समय कमाने का मतलब होता है मौत को बुलाना और ये कोई नहीं चाहता। लेडीज बदी ऐसा नहीं बाबा यार साइडला। यही काम नागरिक सुरक्षा संगठन स्वयं सेवक बिना किसी मानधन के बिना किसी लालच के आम जनता की हिफाजत करते हैं। मैं तमाम टू पैरेलल रोप समान रूप से जो दो रस्सियां बंधी हुई हैं उसी के ऊपर एक कैजुअल्टीज को बांध कर नीचे उतारने का काम हमारे वॉलंटियर्स कर रहे हैं पूरी तरह से सुरक्षित। देखिए सामने देखिए ब्रिज की तरफ पुल की तरफ देखिए। जब बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है लिफ्ट बंद हो जाती है और ऊपर जाने का कोई सहारा और माध्यम नहीं रह जाता है तब दो रस्सियों के सहारे हमारे नागरिक सुरक्षा संगठन के नौजवान उनको घायल व्यक्ति को रस्सी के माध्यम से नीचे उतारने का काम करते हैं। पल पल की खबर कंट्रोल रूम को दी जाती है और वहां से मदद मांगी जाती है। सिविल डिफेंस के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि हम वो हवा नहीं जो खो जाएंगे, हम वो हवा नहीं जो खो जाएंगे, हम वो वक्त नहीं जो गुजर जाएंगे, हम वो मौसम भी नहीं जो गुजर जाएंगे। हम तो आपके वो सच्चे साथी हैं जो खुशी और गम में हमेशा आपके साथ नजर आएंगे। एक बार सिविल डिफेंस से जुड़ने के बाद एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि आपातकालीन परिस्थिति में एक फोन कॉल पर ही हमारे सिविल डिफेंस के नौजवान कुछ ही मिनटों में वहां पर पहुंच जाते हैं। ये कोर्स करने के बाद चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोर्स किया हो चाहे मुंबई पुलिस का कोर्स किया हो उसे एक आइडेंटिटी कार्ड को दिया जाता है। यही आइडेंटिटी कार्ड ही आपके कार्य की पहचान है। मुसीबत में यही कार्ड आपकी हिफाजत भी करता है। देखिए टू पैरेलल के माध्यम से हमारे गंभीर व्यक्ति घायल कैजुअल्टी को नीचे उतार दिया गया बहुत तेजी के साथ। और स्टेशन भी तैयार है, एम्बुलेंस भी तैयार है।
और स्ट्रेचर पर डालकर उन्हें कैजुअलिटी पॉइंट पर लेके जाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो वाकई में तारीफ काबिल है, और जब आपको अच्छा लगे तो आप जरूर तालियां बजाइए। पिक नंबर 7 की तरफ देखिए, चाहे कोई भी हो, नागरिक सुरक्षा संगठन के नौजवान पूरे जिम्मेवारी से अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को मदद करते हैं, और इसका एक नमूना, एक डेमोस्ट्रेशन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर इरादे एक हो और मन में देशभक्ति की भावना हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। देखिए, नागरिक सुरक्षा संगठन मुंबई कांग्रेस के कर्मचारी महिला किस तरह रैपिंग करती है और उसे उठा कर लिया, जोरदार तालियां बजाइए। कंट्रोल रूम को रिपोर्टिंग देने का काम चल रहा है कि किस तरह आज ग्राउंड पर वार्डन, सेक्टर वार्डन, वॉलंटियर्स अपने अपने जगह पर आ जाइए। सभी वॉलंटियर्स अपने कहते हैं दर्द देने वाले बहुत मिलते हैं मगर दर्द लेने वाले बहुत कम मिलते हैं। कहते हैं दर्द देने वाले बहुत मिलते हैं मगर दर्द लेने वाले बहुत कम मिलते हैं। नाजुक वक्त में
सिविल डिफेंस को हमेशा याद करना, राजू कोर्ट में सिविल डिफेंस को हमेशा याद करना, क्योंकि मुसीबत में साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। आईसीओ कंट्रोल रूम में रिपोर्टिंग कर रही हैं, जो भी घटना हादसा हुआ। दुर्घटना नियंत्रण अधिकारी श्रीमती दुराफे मैडम ने जो भी अपने अपने सेक्टर में जिन्होंने काम किया था उसकी पूरी रिपोर्टिंग कर दी कि कितने लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया और कितने लोगों का उपचार किया गया और यहाँ पर कहाँ कहाँ पर दुकानों में आग लगी थी, वो सब की पूरी रिपोर्टिंग उन्होंने नागरिक सुरक्षा नियंत्रक को कर दिया है और उनसे कार्यक्रम इंसिडेंट क्लोज का उन्होंने परमिशन लिया हुआ है। और इंसिडेंट क्लोज करने के बाद पूरा एरिया जो है वो वार्डन को हैंडओवर कर दिया है। अभी सभी टीम के लोग जो है